अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दोबारा हाजिर हैं हम अल्लामा इकबाल पार्क में और बाकी इसकी लोकेशन वगैरह हम जानेंगे और यहाँ पे इनका यहाँ का मैनेजर कौन है वो भी हम भाई से मालूम करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? आपका नाम? मेरा नाम तलहा, मोहम्मद तलहा हुसैन। मोहम्मद तलहा हुसैन, अच्छा तलहा भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अल्लामा इकबाल पार्क की यहाँ पे लोकेशन समझाएं। देखें, ये अल्लामा इकबाल पार्क के साथ अल्लामा इकबाल क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड है जो कि नियरेस्ट है जावेद निहारी फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14। नियरेस्ट यहाँ से शारह पाकिस्तान है। अगर कोई मेन रोड शारह पाकिस्तान से आएगा तो महफूज शीरमाल के नियरेस्ट है, और अगर फेडरल बी एरिया से आएगा, अजीजाबाद से आएगा, तो उसके नियरेस्ट जावेद निहारी से लेफ्ट साइड की लोकेशन मौजूद है, दो आने के मेन रोड। आपको मुकम्मल लोकेशन समझा दी गई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैनेजर कौन है तला भाई? यहाँ पे हारिस नाम है, मोहम्मद हारिस हुसैन, वो मैनेजर होते हैं। मोहम्मद हारिस हुसैन, अच्छा आपका यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है? मेरा यहाँ कंट्रीब्यूशन है, मैं लीड कर रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर के ऊपर। हमने ये लिया है, जगह को अडॉप्ट किया है, यहाँ की प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे, हम रन करेंगे, इसको चलाएंगे, इंशाल्लाह एनहेंस करेंगे जगह को। अच्छा, आप लीड कर रहे हैं यहाँ? जी। अच्छा, मुझे तलहा भाई का भी मैसेज आया था जिनसे हिल पार्क में हमारी मुलाकात हुई थी। जी जी, तो उनका यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है? वो भी यहाँ पे ऐसा ही है बिल्कुल, कि वो और मोहम्मद हारिस दोनों साथ पैरेलल तौर के ऊपर इस जगह को मैनेज करेंगे, हिल पार्क में भी और यहाँ पे भी। अच्छा, सेम टीम है जो वहाँ भी काम कर रही है और यहाँ भी काम कर रही है। सेम टीम काम कर रही है, यानी कि उन्हीं का दूसरा प्रोजेक्ट है। जी, ऐसा ही। अच्छा, बिल्कुल यही कह सकते हैं हम कि उनका दूसरा प्रोजेक्ट है। और इसके बाद मुझे ये बताइएगा, ये जो जगह जहाँ पे हम बैठे हुए इस वक्त अल्लामा इकबाल पार्क, किसके अंडर में आता है? ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है या केएमसी के अंडर में आता है? ये केएमसी के अंडर आता है, केएमसी का लैंड है। अच्छा, और इस ये जो प्रोजेक्ट के मैनेजर कौन है? मेरे ख्याल से पहले ये जगह तो बंद थी। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बना हुआ था। ऑनरेबल मेयर मुर्तजा वहाब की काविशों से और उनकी मेहनत से ये जगह जो है तैयार की गई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। लास्ट 6 मंथ हुए हैं तकरीबन इस जगह को तैयार किए हुए, लेकिन उसके बाद से ये जगह फिर भी बहुत हद तक मेंटेन की जा रही थी, लेकिन चल नहीं रही थी, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही थी, ना कोई ऐसी चीज थी। तो हमने रिक्वेस्ट की है डिपार्टमेंट से कि काइंडली हम जैसे हिल पार्क के अंदर उसको अडॉप्ट किया है, उस जगह को बना रहे हैं और चला रहे हैं, तो इसी तरीके से हम इस जगह को तो बनाना। आपने क्या इकदाम लिए हैं कि लोगों को सबसे पहले तो पता तो चले यहाँ पे कोई एकेडमी खुली है, कोई यहाँ पे इंडोर का सेटअप है और यहाँ पे क्रिकेट का सेटअप है, तो आपने कोई इकदाम लिए हैं कि लोगों को इसके बारे में? इंशाल्लाह आफ्टर ईद प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी का इनेकाद करेंगे, फुटबॉल अकेडमी का इनेकाद करेंगे और जो है स्पोर्ट्स की प्रमोशन करेंगे मजीद। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट किसकी लगी है यहाँ पे? तो वो बता रहे थे कि जीएफएस की लगी थी शायद। नहीं, कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बजट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इन्वेस्टमेंट लगी है टोटली, यानी कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और वो हिल पार्क वाला सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बता रहे थे। कहा भाई, अच्छा अब यहाँ पे चार्जेस क्या रखे हैं सबसे पहले आपने? देखिए, हमने यहाँ पे स्टार्टअप के तौर के ऊपर 3000 पर आर के चार्जेस रखे हैं, फुटबॉल ग्राउंड एज वेल एज क्रिकेट ग्राउंड। अच्छा, यानी कि बोथ आपने 3000 लगाए हैं पर आवर के हिसाब से, और अगर किसी ने ज्यादा टाइम खेलना है कोई, यानी कि पूरा नाइट यहाँ पे लगा रहे हैं, ऑलरेडी कोई ऑलरेडी निगोशिएटेड प्राइस है ऑलरेडी हमारे, इंशाल्लाह कोशिश थी कि 5000 करें, लेकिन लोग अफोर्ड कर सकें और खेल भी सकें और एंजॉय कर सकें, इसलिए ये डिस्काउंटेड प्राइस है। अच्छा, ये रेगुलर यही प्राइस रहने हैं या आगे को बढ़ने का इरादा है? इंशाल्लाह देखें, कोशिश करेंगे कि इस पर ही मेंटेन करें इंशाल्लाह, अगर कोई मिसअप या कोई ऐसी चीज नहीं होती तो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा ग्राउंड नजर, इसका एरिया कितना बता रहे हैं? ये बहुत बड़ा है, ये तकरीबन 3 एकड़ के ऊपर है। 3 एकड़ के ऊपर है? 3 एकड़ के ऊपर। अच्छा, और आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हुआ, आपने बैकग्राउंड पे बैक पे क्रिकेट भी साथ रख दी, फुटबॉल भी साथ रख दी, तो मुश्किल तो नहीं होगी प्लेयर्स को? नहीं, इस चीज के लिए हम और मजीद काम कर रहे हैं। इधर स्ट्रेट वाले पार्ट के ऊपर हम नेटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर नेट कर रहे हैं ताकि बॉल ना जाए, और इस तरफ इसको पार्टीशन के तौर के ऊपर क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड को अलग करने के लिए उसकी नेट के लिए भी हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, इनसे हमने पूरी मालूमात ली है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारा क्रिकेट के लिए हो गया, स्पोर्ट्स के लिए, इसके अलावा पार्क का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है? पार्क का कोई और हिस्सा भी है? इसके अलावा पार्क का मजीद हिस्सा ये है जो पब्लिक के लिए है, पब्लिक आती है और अपने एंजॉयमेंट करती है। टोटली फैमिली पार्क है? वो टोटली फैमिली पार्क। अच्छा, और यहाँ पे जो खेलने आएंगे सिर्फ लड़के, उनके लिए ये? जी, ऐसा ही है, इसलिए हमने रखा हुआ है कि पार्क के दो एंट्रेंस रखे हुए हैं,
जो लड़के आएंगे, दूसरा एंट्रेंस उस साइड से है, एक फ्रंट एंट्रेंस है जो जोहराबाद पुलिस स्टेशन की तरफ लगता है और एक पीछे वाला एंट्रेंस है जो महफूज शी मार्ग की तरफ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इन फ्यूचर को टूर्नामेंट्स करवाने का आपको इंशाल्लाह आफ्टर ईद हम यहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट दोनों टूर्नामेंट करवाएंगे। टूर्नामेंट से मुराद मेरा है कि आप खुद किसी टीम को इन्वाइट करके बुलाएं। ऑब्वियसली। अच्छा, ऐसा ही है। तो कोई नजर में है किसको बुलाना चाह रहे हैं? यार फिलहाल अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह हम उस पर वर्किंग करें और ईद के बाद इंशाल्लाह कराएंगे और इन्फॉर्म करेंगे आप लोगों को। यानी कि इनका मूड है और अब सर्च में लगे हैं, बट अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। अच्छा, इसके अलावा इससे पहले यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक था या कुछ यहाँ पे एक्टिविटी थी? इससे पहले ये बन के रेडी हो चुका था, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी कोई नहीं हो रही थी पिछले तकरीबन 4 से 5 महीने तक। अच्छा, अब हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है ताकि ये जगह खराब भी ना हो और उसको प्रॉपरली अवेल करें। देखिए, मैं लास्ट में भी आपको यही बताया था कि मुझे पर्सनली तौर पे खुशी हुई कि सिंध गवर्नमेंट यंग जनरेशन के लिए कुछ कर रही है, कि उनको स्पोर्ट्स के अलग अलग कॉम्प्लेक्स खोल के दे रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स के लिए अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मेंटेन रखने के लिए अलग अलग जगह खोल के दी। अब इंडोर इन्होंने सबसे पहले हिल पार्क भी बनाया। मुझे पर्सनली तौर पर काफी खुशी हुई कि जो एक एरिया बिल्कुल खराब पड़ रहा था वहां पर उनको उसको यूटिलाइज किया इन्होंने। अब ये एरिया ये भी हालात के हिसाब से बिल्कुल खराब पड़ा था, बिल्कुल खाली पड़ा था, तो इसको यूटिलाइज किया। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट्स हैं सिंध गवर्नमेंट के? इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन के अंदर हैं। मुझे आप सब बहुत सारे चीजें लेकर आप सब कर रहे हैं जी, ऐसा ही है। अच्छा, तो उसके उनके साथ मैं लास्ट टाइम मेरी डीजी पार्क से मुलाकात हुई, उनके अंडर जो है वो डीजी पार्क साहब लीड कर रहे हैं, वो भी बहुत चीजों को प्रमोट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं हमारी और चीजों को आगे लेके जाने के लिए। इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आगे इंशाल्लाह? इसके अलावा इंशाल्लाह कोशिश है हमारी ये कि एक सर सैयद पार्क है वहां के ऊपर इंडोर फुटबॉल का इरादा है रखते हैं मौजूद अब साहब। यानी कि वो हिसाब से मेरी उनसे वहां पे बात हुई थी, वो कह रहे हैं यहाँ पे झील पार्क है, तो ये वो पार्क कैप्चर कर रहे हैं जो बिल्कुल डैम बिल्कुल बंद हुए हैं, बिल्कुल खाली हैं, जहाँ पे पब्लिक आना पसंद नहीं कर रही है, यहाँ सोशल एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। तो अब ये एरिया है बहुत बेहतरीन, क्योंकि इलाका वाइज एरिया वाइज भी अच्छा है और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज भी नहीं है, बिल्कुल थाने के सामने पुलिस स्टेशन के सामने आपके पार्क है और यहाँ पे कोई गलत एक्टिविटीज नहीं है। बरसाती तौर पे मैंने पूरा ग्राउंड चेक किया और उसके बाद बहुत अच्छे यानी कि इकदाम चल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के, और इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहनी चाहिए। हम सिंध गवर्नमेंट के और मुर्तजा वाप साहब के शुक्रगुजार हैं। और हम इस पार्क में एक छोटा सा आपको गिफ्ट देना चाहते हैं सर, वो बैक पे विकेट है जी, ये एक विकेट साथ में दो बैट, ये हम गिफ्ट देना चाहते हैं गिफ्ट के तौर पे। और जैसे हमने हिल पार्क में गिफ्ट दिया था, एक आपको छोटा सा गिफ्ट है और थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी नेगोशिएट करते रहेंगे। आप शॉप पे चक्कर लगाएं, हमारी लाइट हाउस पे शॉप है हनीफ स्पोर्ट्स के नाम से। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाएंगे और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी स्पोर्ट्स का सामान होगा इंशाल्लाह आपको ही परसों। तो हमारे व्यूअर्स को भी अगर किसी भी किस्म का कुछ स्पोर्ट्स का सामान चाहिए तो भी हम हाजिर हैं, और बाकी आपको भी कोई किसी किस्म के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के मुताबिक कोई सामान चाहिए हो तो भी हम हाजिर हैं। ठीक है, बाकी आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई जगह पे। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।